खाऊंगी और मैं वायरल हो जाऊंगा, तो मैं इतना भी वायरल नहीं होना चाहता। मेरा मन कर रहा है गैस पे से उठा के खा लूं सीधा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस आपका स्वागत है हमारे साथ आज एक और नए व्लॉग में, एक और नए दिन में। गाइस आज का हमारा दिन शुरू हो चुका है। गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मतलब कल का व्लॉग हम आज नहीं अपलोड कर पाए क्योंकि कल गाइस मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और जिसकी वजह से मैंने व्लॉग शुरू किया तो था, पर गाइस मन नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाने का, क्योंकि जब मम्मा की तबीयत ठीक नहीं ना होती फिर क्या कहते हैं वो ना मजा नहीं आता व्लॉग बनाने में। तो सारा दिन तो मम्मा के पास बैठे रहे हम, है ना, बैठे थे ना, झूठ नहीं बोलना देखो सयाना बच्चा मेरा। सो आज तो मम्मा की तबीयत ठीक है और बाकी वो आपको मेरी एनर्जी देके पता लग ही रहा होगा गाइस की सब ठीक है। और अभी चलते हैं सीधा पापा के पास नीचे क्योंकि पापा के साथ एक आज बहुत जरूरी काम करवाना है और पापा ने नीचे आवाज दे दी है। पापा ने कहा कि 5 मिनट में नीचे आ जाए, अगर 5 मिनट में नीचे नहीं गए तो गाइस पापा क्या कहते अपनी चप्पल लेके ऊपर आ जाएंगे, है ना। और गाइस पापा की हेल्प करवाने के बाद उसके बाद जाना है अपने डॉक्टर के पास मम्मा की मेडिसिन लेने, क्योंकि अभी मतलब पूरी तरह से भी तबीयत ठीक नहीं हुई है, अभी मेडिसिन लेने जाएंगे। मेरे को तो ना इनकी समझ ही नहीं आती मम्मियों की, जब तो इनको बुखार होता है तब ये सुबह सुबह नहा लेती हैं, जब इनको कुछ नहीं होता तो ये दोपहर को नहाती हैं। भाई सवेरे सवेरे नहा लेने में कहीं भी है ना, मैं बुखार है ना हो सवेरे सवेरे नहा के बैठे हो गए। सुबह मिली है हमारे क्या कहते हैं खूबसूरत है असलन को, हाय ब्यूटीफुल अबू, हाथ हिला दीजिए अबू कैमरे में देख के, अबू ब्लॉग बन रहा है, हम काम दसो करना की है। सो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं ये सेट वगैरह चला के देखे जा रहे हैं इनमें से कौन से ठीक है और इनमें से कौन से खराब हैं, और जो खराब है उनका हम क्या कहते हैं तोड़ फोड़ करके उनको भेज देंगे। सही है, सही हो गया जी। तो चलो फिर काम करिए। सो गाइस ये चेक करो क्या कहते हैं कल पापा ने क्या कहते हैं थोड़े बहुत सेट तो मतलब उनकी तोड़ फोड़ करके यहाँ पे निकाल दिए थे, मतलब गाइज उनका प्लास्टिक वगैरह अलग निकालना है, उनमें जो आयरन है वो अलग निकालना है। तो अभी ऐसा ही करना है, ये कुछ सेट तो पापा ने ऐसे कर दिए और बाकी उधर कुछ और पड़े हैं, अभी उनको भी ऐसे ही करेंगे और मिलते हैं सीधा आपको, उसके बाद उनकी तोड़ फोड़ करेंगे। गाइज सारा गुस्सा निकाल दूंगा चिंता में। सो गाइस सेट वगैरह हमने सारे ऊपर से नीचे उतार लिए हैं और अभी इनका क्या कहते हैं ऑपरेशन करेंगे, इनको सारा मतलब इनकी बॉडी पार्ट्स अलग करेंगे। वो देखो जैसे इसके हो रहे हैं बेचारे के। सो गाइस पापा भी लेने गए हैं क्या कहते हैं मम्मा की मेडिसिन क्योंकि डॉक्टर आ चुका है। तो अभी हमने क्या कहते हैं इतना सा काम किया गाइस, ये देखो सारा गंद गंद हुआ पड़ा, सारा खलारा पड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो ये सिर्फ थोड़े से सेट रह गए हैं बस। हमने क्या कहते हैं प्लास्टिक इधर अलग कर दिया है, ये शीट्स इधर अलग कर दिया, लोहा उधर अलग कर दिया, बाकी कुछ सारा उस कमरे में। ओ ये देखो क्या कर रहे हैं, ये हमारा बच्चा आज ठीक नहीं है, इसके भी दर्द हो रही है पेट में मेरी बिगड़ी के। एसलान भेजा भेजा। और अभी ये थोड़ा सा रह गया और अभी इसको भी सारा साफ कर देंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। मम्मा ऊपर पढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बैठे बैठे मैंने नहीं पता कितने दाढ़ी बैठे। तो भाई सारा क्या कहते हैं हमारा काम खत्म हो चुका है, जो यहाँ पे कबाड़ वाले सेट पड़े थे वो ऊपर रख दिए दोबारा उठा के। चलो चंगा ओके बाय करो प्यार ना। तो गाइस अभी क्या कहते हैं कबाड़िया की वेट है, जब वो आ जाएगा तो क्या कहते हैं ये सारा प्लास्टिक और ये शीट्स वगैरह उठवा देंगे। अभी चलते हैं सीधा ऊपर क्योंकि गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और गर्मी को भगाने के लिए, सुस्ती को भगाने के लिए एक ही तरीका और वो है नहाना। और अभी नहाएंगे और क्या कहते हैं थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे फ्रेश होने के लिए। और क्या बात है गाइस यहाँ पे खाने शाने बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं। क्या बनाया जा रहा है? आलू फलियाँ। तो बना के दोगे ना गाइस? हाथ चेक करो कितने गंदे हो गए गाइस, इन हाथों से मेहनत की है मैंने, मजदूरी करके आया हूँ मैं। कितने पैसे मिले? स्वाह मिले गाइस, घर पे काम करने का एक ही नुकसान है, स्वाह मिलते हैं आगे से। सो गाइस नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और अभी मम्मा तो करने लगे हैं आराम, तो अभी मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा और उसके बाद फिर खाएंगे खाना वाना और देखेंगे आगे क्या करना है। सो अभी पढ़ते हैं और मिलते हैं आपको सीधा खाना खाने के टाइम पे। सो गाइज वेलकम बैक अगेन। और अभी आपको मैं बताता हूँ एक हंसी वाली बात, मैंने ना मेरे घर वालों को कहा कि मेरे को एक नई बेल्ट ले रहे हो, तो मेरे घर वाले कह रहे हैं तेरे पास 2 बेल्ट हैं, और अभी मैं वो आपको 2 बेल्ट दिखाता हूँ गाइज। गाइज ये तो होगी 1 बेल्ट, ठीक है रुको रुक जाओ जरा, और ये होगी इसको 2 हिस्से करके, ये कह रहे 2 बेल्ट, कहते दोनों को बीच में से तोड़ ले, एक बक्कल और ले ले और एक के साथ दूसरा बक्कल लगा ले,
कहते दो बेल्टें हो जाएंगी। और मैंने कहा ये कौन करता है, तो फिर इनको थोड़ी सी शर्म आने लगी कि हाँ यार ये तो सोचेंगे लोग ये क्या करके आ गए, क्योंकि गाइस जब जिसको मैं डालूंगा और मैंने शर्ट कहीं पैंट के अंदर कर दी तो लोग मेरे पे हंसेंगे और मैं वायरल हो जाऊंगा, तो मैं इतना भी वायरल नहीं होना चाहता। तो मैंने मम्मी से कहा कि नई बेल्ट ले दो, तो मेरी मम्मी का सोल्यूशन है ये इसके साथ जोड़ ले, मतलब नई नहीं लेके देनी इन्होंने, जहाँ से पैसे बचते हैं वहाँ से बचा लो, और अभी इसको जोड़ते हैं। गाइस पापा ने शॉपिंग की है, क्या कहते हैं, नई जीन्स लिया आया है, हीरो ही लग गया ने, कसमें हीरो ही लग गया ने, कसमें बात कर रहे पेट लाने लगा मैं। सो गाइस अभी हमारा खाना डल चुका है और आज के हमारे मेन्यू में है चावल, ये क्या कहते हैं आलू बीन्स है, आलू फलियां, और गाइस वेज लोगों का देसी ऑमलेट, एक तो होता है अंडे वाला ऑमलेट, ये है बेसन वाला ऑमलेट, ये उनके लिए है जो क्या कहते हैं नॉन वेज नहीं खाते। मजा आ गया और ये मजा मैं भारतवासी के हर लोग को देना चाहता हूँ। सो गाइस जिया ना अभी ऊपर आ रही है, जिया स्कूल से आ चुकी है, अभी उसको डराते हैं, ये देखना आईडी कार्ड आ गया साडे तो भाई क्यों वीडियो पे नहीं दिखाना, बूता खराब है पीछे चल पहले ही शक्ल भैड़ी है, उन लोगों ने देख के और की मना कहना स्कूल का नाम जो साडे इतने बड़ा सब्सक्राइबर है जेड़े उस स्पीड आ जाने है बच्चे दी गाइस शक्ल देखो जिया दे रिच गाय देखो मतलब हमको नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पे लग गई है देखो लपटे निकल रही है ना, मतलब ये हम लोग का घर है नॉर्मल जितना, जूम भी नहीं किया हुआ और इतनी डिफरेंस पे आग लग गई है, अब ये गलती से लग गई है, किसने लगाई है कुछ भी नहीं पता, बट इन्हें कड़ा कूड़ा चलाता है। सो गाइस ट्यूशन से वापस आ चुके हैं, योगा तानु डर गया। सो गाइस क्या कहते हैं जिया के आने के बाद दोपहर को सो गए थे और उसके बाद सीधा उठ के मैं ट्यूशन चला गया, तो अभी ट्यूशन से वापस आए हैं। गाइस नीचे क्या कहते हैं, गाइस नीचे तड़का, गाइस कंटेंट है नीचे, कंटेंट गाइस कंटेंट आ गया नीचे, कंटेंट गाइस ला 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 फोन पीछे कर ला 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 गाइस कंटेंट गाइस तू दुकान पे नहीं बंदा अम्मा गाल तो दुकान पे मैं नहीं बैठा काम भी करांदे आए भू मैं मचगी ये तो चीकू भी बाहर सुट दे ये तो सारा फ्रूट बाहर सुट दे तू ओ बबलगम बबलगम कितो ले डाका चट्टा दा डाका चलदा बबलगम कितो ले तू ऊपर कितो दी ऊपर तो बबलगम है ही नहीं ਉੱਪਰ ਬੱਬਲ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚੋਰ ਆ ਡਰੋਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਾਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਝੂਠੀ ਖਾਤੀ ਤਾਂ ਟੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਆ ਤਾੜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਖੇਡੀਏ ਚਲਾ ਖੇਡੀਆ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਚਿੰਟੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਕੋ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ आइए गाइस वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हो चुका है हमारे बीच में, टंगने टंगने करके दिखा टिंगनी टिंगनी एदा टंगने टंगनी टंग एशलन कुछ कुछ मेरी टूट गई आओ खादो कुछ टप ही जाता फिर पापा फिर भी सारे टॉपिक का करना है ये तो खत्म हो गई। सो गाइस हमारी यहां पे चीकू पार्टी चल रही है, है ये नहीं देखा मेनू की आलू लेके देता खाने वास्ते आ देख आलू है आलू मेरा आलू बड़ा मीठा है। अरे आज का व्लॉग करते हैं खत्म, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मैं रोटी बनाया तू तू गंदा एनू की चाहिए रोटी मोटा रोटी नहीं देती हम फटोरी।